नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेर और ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन A9 2020 लॉन्च कर दिया है। और अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस रेंज में ऑफलाइन सेगमेंट में इसका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो है वीवो का स्मार्टफोन वीवो S1। ओप्पो और वीवो में हमेशा से ही कॉम्पिटिशन रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ओप्पो के स्मार्टफोन को पसंद करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वीवो के स्मार्टफोन को पसंद करते हैं। हाल ही में ना एक जोक भी आया था, जोक ये था कि रणवीर सिंह अलग ब्रांड सपोर्ट करता है और जो दीपिका पादुकोण है वो अलग ब्रांड सपोर्ट करती है, दोनों मियां बीवी में बनती ही नहीं। पर एनीवे, एक्चुअली में ऐसा है, दोनों एक ही ब्रांड के सब ब्रांड्स हैं, बीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांड है, लेकिन दोनों में बनती नहीं, दोनों अपना बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए दोनों सेम प्राइस रेंज पे एक से बढ़कर एक फ़ोन लेके आए हैं अब तक। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है, एक तरफ है ओप्पो A9 2020 और एक तरफ है वीवो S1। और आज इस वीडियो में मैं आपको इनका एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ, टोटली स्पेसिफिकेशन के बेस पे है। प्लीज़ उम्मीद मत कीजिएगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हम देखेंगे कौन सा फ़ोन बेटर है और आप किसको खरीद सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जानने के साथ ही आप अपने लिए राइट फ़ोन चूज कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओप्पो A9 2020 में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। IPS LCD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इस फ़ोन में। इसमें आपको वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिल जाता है जो कि एक्चुअली में वी शेप नॉच है। और अगर हम बात करें यहाँ पर वीवो S1 की, तो इसमें आपको मिलता है 6.38 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। वाटर ड्रॉप शेप नॉच इसमें भी है लेकिन ये यू शेप है जो कि इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा पतला है। तो यहाँ पर वीवो के पास डिस्प्ले में प्लस पॉइंट आता है कि एक तो फुल HD भी है, ऊपर से सुपर एमोलेड भी है, ऊपर से इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, काफ़ी ऊपर हो गया। और अगर हम ओप्पो A9 की बात करेंगे तो इसमें आपको बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि अब यहाँ पर है थोड़ा पुराना। अब लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिले जो कि वीवो मुहैया करवा के दे रहा है। जी हाँ, वीवो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मुहैया करवा के दे रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन हालांकि थोड़ा सा सब्जेक्टिव इशू है, किसी को कोई फ़ोन पसंद आएगा तो किसी को कोई, पर फिर भी दिखा देते हैं भाई। ये देखिए डिज़ाइन, देखिए बैक पैनल, देखिए दोनों का, दोनों का बैक पैनल आप देख सकते हैं, दोनों ही अलग अलग तरीके के डिज़ाइन किए गए हैं। ओप्पो जो थोड़ा सा है वो कर्व्ड है, वीवो जो है वो पीछे से एकदम फ्लैट है। तो यहाँ पर आपको कौन सी ग्रिप ज़्यादा अच्छी लगेगी वो आप पे डिपेंड करता है, कौन सा फ़ोन आप लेना चाहेंगे, आप एकदम फ्लैट फ़ोन लेना चाहेंगे या कर्व फ़ोन लेना चाहेंगे। हालांकि कलर्स जो हैं वो दोनों के अच्छे हैं, आपको पसंद आएंगे और आप अपने लिए इनमें से कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप अगर पूछेंगे तो मैं आपको ये वाला कलर सजेस्ट करूँगा, वीवो का काफ़ी नया चल रहा है आजकल ट्रेंड में, बहुत से महंगे ब्रांड वाले स्मार्टफोन भी इसको लेके आते हैं। ये ओप्पो का जो कलर है अच्छा बहुत है लेकिन पुराना हो चुका है, ऐसा कलर हम कई सारे स्मार्टफोन में देख चुके हैं। पर आपकी क्या चॉइस है वो मैटर करती है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसमें आपको माइक्रो USB मिलता है चार्जिंग के लिए। तो वीवो S1 माइक्रो USB के साथ आता है, जबकि ओप्पो जो है ओप्पो A9 2020 इसमें टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए मिलता है। दोनों में आपको 3.5 मॉडी जैक मिल जाता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी ने भी कॉस्ट कटिंग के लिए 3.5 मॉडी जैक को नहीं हटाया। तो अब आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन थोड़ा सा सब्जेक्टिव है लेकिन डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर वीवो बाजी मार जाता है। इंटरनल्स की बात करें तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ओप्पो A9 ज़्यादा पसंद आएगा, वो बताता हूँ कौन से। सबसे पहले प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं, तो ओप्पो A9 में मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट, जबकि वीवो S1 में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P65 चिपसेट। और आप सभी जानते हैं कॉलकॉम के जो प्रोसेसर हैं वो थोड़े से बेटर माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ मीडियाटेक के प्रोसेसर के, तो यहाँ पर इसके पास एक प्लस पॉइंट आता है। कुछ ऐसे व्यूवर्स भी हैं जो कि मीडियाटेक के प्रोसेसर भी पसंद कर लेंगे, तो उनके लिए वीवो S1 सही रहेगा। परफॉर्मेंस वाइज दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलेगी, कुछ बहुत अंतर नहीं है परफॉर्मेंस में, 19-20 का अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन बैटरी की बात आएगी तो यहाँ पर ओप्पो A9 बाजी मारेगा, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, ऊपर से इसमें HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले है तो बैटरी कंजम्पशन कम होगा, तो यानी आपको और भी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। जबकि अगर हम वीवो S1 की बात करें तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, फुल HD प्लस डिस्प्ले, सुपर एमोलेड भी है, तो बैटरी कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी के मामले में ओप्पो A9 आगे निकलता है। पर हाँ,
वीवो के पास भी एक एडवांटेज है कि इसमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि ओप्पो A9 में 10 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। अब बात करें हम यहाँ पर रैम स्टोरेज की, तो दोनों में जो बेस वेरिएंट है वो 4GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज है और आप मेमोरी को दोनों की बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम कैमरास की बात करें तो वीवो S1 थोड़ा पीछे रह जाएगा यहाँ पर, 16+8+2 मेगापिक्सल के 3 रियर कैमरा इसमें दिए गए हैं। ओप्पो A9 2020 में आपको मिलते हैं 48+8+2+2 4 रियर कैमराज मिलते हैं। तो एक तो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, इससे थोड़ी सी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी, और 8 मेगापिक्सल जो है वो दोनों में वाइड एंगल है। इसमें क्या है, इसमें एक आपको डेप्थ सेंसिंग सेंसर 2 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि इसमें भी है, लेकिन एक 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा सेंसर दिया जो कि मोनो लेंस है, तो थोड़ी पिक्चर क्वालिटी को वो और भी एनहांस करता है आपकी, यू नो एक्स्ट्रा लाइट कैप्चर करके आपको पिक्चर क्वालिटी और भी अच्छी देने की कोशिश करता है। हालांकि अभी मैं कंपेयर करके नहीं दिखाऊंगा इमेज क्वालिटी, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपेयर करके दिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, वहां पे आप इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन देख पाएंगे। पर फ्रंट की बात आएगी तो यहां पर वीवो बाजी मार जाएगा। वीवो में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर दिया है, जबकि ओप्पो A9 2020 में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर मिलता है। चलिए एक बार फोटो खींच के देख लेते हैं, सेल्फी हो और मैं फोटो क्लिक ना करूं। दोनों में ऑन स्क्रीन फ्लैश भी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक में ओप्पो के पास एडवांटेज है और फ्रंट में वीवो के पास एडवांटेज है। बैटरी में ओप्पो के पास एडवांटेज है और प्रोसेसिंग में भी ओप्पो के पास एडवांटेज है, तो डिस्प्ले में वीवो के पास एडवांटेज है। अब सॉफ्टवेयर जो है वो तो बहुत ही यूजुअल थिंग है, वो सब्जेक्टिव है, आपको कौन सा पसंद आता है आप पर डिपेंड करता है। दोनों में एंड्रॉयड पाए दिया है पर यूआई की लेयरिंग अलग अलग है, तो आपको किसका यूआई पसंद आता है वो आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस रेंज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है प्राइस रेंज में यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बैटरी मिल रही है, प्रोसेसर मिल रहा है, रियर कैमरा मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल रहा है, फ्रंट कैमरा मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, बस यही दो चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं। डिज़ाइन सब्जेक्टिव है, प्लीज़ डिज़ाइन में काउंट नहीं कर रहा कि किसका अच्छा है, वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। डिस्प्ले और यहाँ पर फ्रंट कैमरा, यहाँ पर बैटरी, प्रोसेसर और रियर कैमरा, तो हो चुका है फैसला। जिसको ये तीन चीज़ चाहिए वो ओप्पो A9 2020 ले लें, जिसको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, जिसको फ्रंट कैमरा अच्छा चाहिए वो वीवो S1 ले सकता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्वेरी सॉल्व हुई या नहीं, या फिर कुछ कमी रह गई तो बता दीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा कमेंट बॉक्स में लिख के। और कैमरा कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।